जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि जो एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में आप कई अपडेट सुन रहे होंगे कि इस बार एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग हो सकती है या इसकी एज लिमिट क्या है, इस भर्ती में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा किसकी तैयारी करनी चाहिए, आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। तो जो भी नई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, डिटेल में देखें कि क्या इसमें एज रहने वाली है, कितनी एज की छूट मिलने वाली है और कौन कौन से स्टेट से आपको फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हो तो इस जो रिज़ल्ट आया है इसके अनुसार आप किस किस स्टेट से किस किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, साथ ही जो भी नई वैकेंसी आती है उसकी अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो आप नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए उनमें से देख लीजिए, नहीं तो पूरा चैनल ओपन करके आप देख सकते हो कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है और इस साल की बेस्ट 5 वैकेंसी कौन सी है, उनकी तैयारी आप ज़रूर करिए दोस्तों। अब बात करते हैं एसएससी जीडी। आपको पता है एसएससी जीडी की जो एज रहती है नॉर्मली इसकी एज रहती है 18 से 23 साल, ये रहती है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल की रात मिल जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की रात, तो उनके लिए ये एज हो गई 18 से 28 साल। अब दोस्तों मैं बता दूँ 18 से 28 साल होने के बावजूद भी जैसे गोवा है, तमिलनाडु है, इन जगह पर या आंध्र प्रदेश है, कई ऐसी स्टेट है जहाँ पर इनकी सीटें खाली रही हैं, मतलब अगर आप पासिंग मार्क भी यहाँ पर लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन होना पक्का 101%। तो आप अगर कोई से भी जैसे बिहार में भी एससी एसटी की सीटें खाली रही, अभी जो नया रिजल्ट आया है इसमें एसटी की बिहार में भी 33 सीट खाली है, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो चाहे कोई से भी स्टेट से हो, एससी एसटी या ओबीसी, तो अब या जनरल से, तो जनरल वालों को ज़्यादा जैसे सीटें रिजर्व नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप ज़रूर एसएससी जीडी की ट्राई करें, एसएससी जीडी की तैयारी ज़रूर करें दोस्तों। इसकी जो एज का क्राइटेरिया वो मैंने बता दिया है, अब इसकी बात आती है कि इसमें पोस्ट कितनी आएगी। दोस्तों ये मान के चलिए इसमें 60,000 प्लस पोस्ट आएगी, लेकिन अनुमान इसका 84,000 पोस्ट के समथिंग लगाया जा रहा है कि एसएससी जीडी में जो नई वैकेंसी, क्योंकि इससे पहले एक ट्विटर पे जो ट्वीट किया था कि अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में 1 लाख पोस्टें खाली है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 84,000 के समथिंग इस बार ये वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अगर 84,000 वैकेंसी आती है तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, लार्ज वैकेंसी है, ऐसा मौका आप कभी नहीं चूकना। अब इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे इसके बारे में बता दूँ, 25 मार्च से 10 मई के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हो, यानी 18 से 28 साल, अगर आप जैसे ओबीसी एससी एसटी जिसमें जिस प्रकार की छूट उस हिसाब से आते हो, तो आप ज़रूर फॉर्म भर फिलअप कर देना। हाइट का इसको पता ही आपको कि 170 सेमी है लड़कियों के लिए, 157 सेमी, चाहे लड़के हो लड़कियां, इनमें से सभी फोर्स जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या एसएसबी, इन सभी में लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके इनमें से फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पर आपकी चॉइस कौन सी होनी चाहिए और सबसे लास्ट में, ये जब फॉर्म भरते हो तभी आपकी चॉइस फिलअप की जाती है, बाद में इनको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता चाहे आपके कितने भी नंबर के हों। जब बाद में आप जाते हो फिर आपको पता ही नहीं रहता कि कौन सी फोर्स कैसी है, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सी फोर्स पहले चूज़ करनी चाहिए और कौन सी बाद में चूज़ करनी चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अब बात करते हैं इसका जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले पेपर होता है। पेपर का जो सिलेबस है उसमें इसमें 4 पार्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। मैथ और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन, हिंदी और जीके के 25-25 क्वेश्चन, यानी बहुत ही सरल सिलेबस है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अच्छे से अपना नंबर ला सकते हो। इंग्लिश नहीं है क्योंकि इंग्लिश में कई लोगों ऐसे होते हैं जो गांव ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, इसमें हिंदी है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैथ का जो लेवल होता है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 10th क्लास है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपने अगर पॉलिटेक्निक किया तो भी कोई मतलब नहीं है, इसमें आप 10th क्लास ही पास चाहिए दोस्तों। अब बात आती है क्या इस बार इसके पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो दोस्तों बता दूँ ऐसा अभी कोई निश्चित नहीं है कि इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग, इससे पहले जब तक एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए उनमें किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रही, लेकिन इसकी जो नोटिफिकेशन आने वाली वो 25 मार्च को आने वाली है, तो 25 मार्च तक आप वेट करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें नेगेटिविटी जो माइनस मार्किंग रहने वाली है या नहीं है। तो अगर नेगेटिव नहीं रहेगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट ये और रहती है, तो भी उससे आपको कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए आप, क्योंकि अगर नहीं रहती है तो भी आपके सभी को फ़ायदा है और रहती है तो भी आपको सभी को उसकी प्रॉब्लम, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जो सिलेबस है बहुत ही इजी सिलेबस है, तो आप आसानी से अगर आप पहली बार ही तैयारी कर रहे हो इस वैकेंसी की, अगर आप किसी भी वैकेंसी की पहली बार तैयारी कर रहे हो, आप 18 साल के अभी हुए हो, 10th क्लास पास अभी किए हो, तो इस वैकेंसी की आप ज़रूर ट्राई करना। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले मौके में ही लग जाते हो दोस्तों,
क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जैसे इन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको तो मतलब सीटें तो खाली रहती है, अगर सीटें भी खाली रही है तो आपका तो पासिंग मार्क मतलब 33% ही नहीं ला सकते 100 में से, तो मतलब बिल्कुल इजी आसान तरीका है 33 स्कोर करने का, तो आपका नंबर 101% आ सकता है कई स्टेट से। जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हो 2018 वाली वैकेंसी है जिसका अभी रिजल्ट आया है, उससे देख सकते हो कहाँ कहाँ सीटें, बहुत सारी सीटें खाली रह गई, तो आप ज़रूर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। अब अगर हम बात करें इसके बाद में इसका होता है फिजिकल, फिजिकल में क्या होता है 5 किलोमीटर रनिंग होती है लड़कों की और चेस्ट और वेट होता है, और इसके अलावा कोई बीम फीम कुछ नहीं होता, मतलब बिल्कुल इजी फिजिकल होता है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग, लड़कियों के लिए 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में, मतलब बिल्कुल इजी। लड़कियों के लिए चेस्ट वेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता, केवल वेट होता है, ठीक है। लड़कों के लिए अब चेस्ट का होता तो मतलब नॉर्मल, अगर आपका चेस्ट है तो 5 सेमी ऑफ होना चाहिए, आपका चेस्ट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। 24 मिनट में 5 किलोमीटर, यानी कि बहुत ही इजी है 5 किलोमीटर की रनिंग। आपको सुनने में 5 किलोमीटर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाके 10 दिन तैयारी करोगे तब तक 5 किलोमीटर की रनिंग आप 24 मिनट में कर दोगे, आप में से कोई भी कर देगा 100% गारंटी के साथ, आप में से कोई भी कर देगा अगर आप 10 दिन ग्राउंड में जाके 2-3 किलोमीटर भी अगर दौड़ लेते हो बिल्कुल इजी शॉर्ट पैरों से, तो भी इसका फिजिकल इतना आसान है कि कोई भी पास कर लेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर रनिंग अगर आप 10 दिन में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लोगे घर पर, तो गारंटी है मेरी कि आप इसकी 5 किलोमीटर रनिंग कर दोगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब इसके उसके बाद में होता है इसका मेडिकल, मेडिकल में भी इसका आर्मी जितना टफ मेडिकल नहीं होता। अगर आपके उंगली उंगली में जैसे इस प्रकार की चोट अगर लगी हुई है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपके अगर शरीर में जैसे कोई भी छोटा मोटा अगर स्क्रैच कहीं छोटी मोटी चोट है तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके पैर फ्लैट है या आपके हैंड में थोड़ा बहुत बैंड है या ऐसा कुछ प्रकार का है, या आपके टीथ ज़्यादा है कम है, जैसे टीथ में गैप है या इस प्रकार की टीथ ज़्यादा या कम है, तो उसमें भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें दोस्तों, क्योंकि इसमें आर्मी जितना मेडिकल मतलब ज़्यादा उस लेवल का मेडिकल नहीं होता कि आपको अगर थोड़ी सी भी गलती है तो बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए मेडिकल भी इसका इजी है, तो मतलब आप आसानी से पास कर सकते हो। और अगर आप अनफिट भी होते हो तो इसमें रीमेडिकल देते हैं, तो आपको एक टाइम दिया जाता है, उसमें जो भी आपकी कमी जैसे अगर नाक टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है तो उसको ठीक करा के वापस से आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो मतलब इतना आसान तरीका है, इसका जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। इसका जो मेन चीज़ है वो रहता है पेपर, पेपर में स्कोर अगर आपने कर दिया इसके बाद में आप सब कुछ पास कर लोगे। तो दोस्तों अगर आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहो, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो या तैयारी शुरू करना चाहो, तो जैसे मैं तो रीजनिंग की मैं खुद क्लास शुरू कर रहा हूँ इसी चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको मैं तो रीजनिंग के जो भी ऐसे जीडी में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कराता रहूँगा दोस्तों। बाकी रही जीके और हिंदी, इनकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, ऑनलाइन कोई क्लास लेके भी कर सकते हो, तो मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अगर पहली बार इस भर्ती में फॉर्म भर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक तैयारी करने का नहीं सोचा तो इसकी तैयारी करने का सोच दीजिए इसका, क्योंकि जो पेपर होने वाला है वो अगस्त महीने में होने वाला है, 2 अगस्त से 8 अगस्त 20 अगस्त के बीच की इसकी डेट है। तो यानी अगस्त के लिए अभी टाइम देखिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 6 महीनों का आपको कंटिन्यू टाइम मिल रहा है। 6 महीने इस वैकेंसी के लिए बहुत होते हैं, अगर आप 3-6 महीने तैयारी कर लो तो आपकी सीट कोई नहीं खा सकता, यानी यू आर 100% सेलेक्टेड इन एसएससी जीडी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें से कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, आपके लिए बेटर कौन सी पोस्ट है, आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी लेनी चाहिए फॉर्म भरते समय दोस्तों। तो जो सबसे पहली फोर्स है वो आपको NIA लेनी चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका जो काम होता है वो CBI की तरह होता है, आप NIA का नाम कम सुने होंगे लेकिन CBI का जरूर सुने होंगे। जिस प्रकार CBI इन्वेस्टिगेशन करती है उसी प्रकार NIA भी इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत ही माइंडली काम होता है, लेकिन इसकी मेरिट काफ़ी अप जाती है। तो अब अगर इसकी मेरिट अप जाती है तो आपको अगर तैयारी अच्छी होगी तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो और आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, क्योंकि NIA का काम बहुत ही शानदार होता है, माइंड वाला काम होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद में आप SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी भी आप जो स्पेशल सिक्योरिटी देते हैं जैसे VIP या VVIP इसको, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो और आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो इसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए सेकंड आप चॉइस देना SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि इसकी भी शानदार होती है। इसके बाद में जो थर्ड आपकी चॉइस बनती है वो आप CISF दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि CISF की जो ड्यूटी है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो फोर्स है उसके रूप में इसकी ड्यूटी है, जो एयरपोर्ट पे मेट्रो में इंडस्ट्रियल एरिया की जो ड्यूटी करती है वो CISF करती है, तो वो भी आसान ड्यूटी है। उसके बाद में चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, सभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद में आप SSB दे सकते हो, उसके बाद में CRPF या BSF दे सकते हो, या ITBP दे सकते हो, या असम राइफल दे सकते हो।
तो जो फर्स्ट चॉइस है टॉप थ्री वो आपको मैंने बता दी, इनमें से आप टॉप थ्री चॉइस दे सकते हो जो आपके लिए बेटर रहेगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत ही अभी से करनी पड़ेगी और अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दिए। मैथ रीजनिंग की क्लासें मैं इस पर लगातार चलाता रहूँगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी जरूर कराता रहूँगा। साथ में जीके के भी जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, उसमें मैं डेली करंट जीके के PDF दे रहा हूँ और साथ में रीजनिंग और मैथ की PDF भी देने लग जाऊँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।